अगते खबरों के सिलसिले के अगते वधाईंदे सच अमन इंसाफ वसीले सजी सिंध में समाजी तब्दीली लाए सहाफिन लेखिकन सिविल सोसाइटी की जोड़ियल तंजीम जर्नलिस्ट राइटर्स सिविल सोसाइटी फॉर ट्रूथ पीस एंड जस्टिस की कराची डिवीजन जो कन्वेंशन थी रो है। अगवान जो चवण है त सहाफिन लेखिकन सिविल सोसाइटी के कुवतन के गडाए सच अमन इंसाफ हासिल कर गडियल कुवत जोड़ी वही है। हि तंजीम सिंध की उम्मीद है। इन हवाले से अपडेट मालूम कदासी सिंध टीवी न्यूज के रिपोर्टर बशीर संजरानी का। बशीर आगा कजो जर्नलिस्ट राइटर्स फॉर ट्रूथ पीस एंड जस्टिस की जगह यो कोई कन्वेंशन आ है यो जारी आ है इनमें करारदाद पास कई वही है अजम वर्जायो वो है सिंध के मसलन के नजर में रखंदे सिंध के मसलन के उजागर करें उन्होंने मसलन के ऐवान तक पहुंचाने के लिए जनरल राइटर्स सिविल सोसाइटी फॉर ट्रूथ पीस एंड जस्टिस तरफा सिंध के बिन जिलों का दादी वाले शहर कराची में भी कन्वेंशन जो है वो जारी है। मानून के ये समझो तो समुद्र थी पो है तमाम बड़े अंग में जो इन अदीब दानश्वर साफी सिविल सोसाइटी सब जो उन इलाके वासी उन्होंने वे अंग में शिरकत कई है। विहण के लिए कुर्सी जो अना भी घट पे बहर जो मूँ आन ये पिंडाल का मू बाहर बीठल एतरे अंग में जो सो अज कराची सिंध की राजधानी कराची में पहरों दफो जो सो जे डब्ल्यू सी के वजूद में अचान का मूँ उन मौत दिनी है जैसे तो कुछ मुकर हुआ उन्होंने सो खिताब भी किया है। जो सो भेजल मसरूर शीन जोखो सुलेमान वसाण मोहम्मद खान शेख जो एडवोकेट है डॉक्टर शेर मेरानी बिहार खिताब भी किया है शिरकत भी कई है। उन्होंने चवण है ये जो तंजीम छी है मजलूमन जो आवाज ऐवान तक पहुंचाए पी उनके जस दियन था। माजी में भी उन्होंने चवण तो केतरी तंजीमू छूं पर उ या तो बंद थी या तो विदोड़न के वर चढ़ी व्यू पर वाहिद तंजीम है जो थोड़े अरसे में हर सिंध के कुंड कुछ में वही पहुंचे थी। मजलूम मानों की जो आवाज है वो ऐवान तक पहुंचाने के लिए कोशा है। उम्मीद कन था तो ये तंजीम जल्द जो सो आसमान के बुलंदन तक वही पहुंच। अच्छा बशीर यो आगा कजो त अगवाणन जिन तकरीरू कयू आहिन जे जेके अगवाण जर्नलिस्ट राइटर्स जा जेके वेठा हन उनन पारा छा इन अजम जो इजहार कयो वियो आहे त हन कन्वेंशन का अलावा बाकी जेका सिंध जा बिया वडा शहरन जी हैदराबाद आहे सखर आहे उनन में भी कन्वेंशन कोठाए आवाम में या गाल जेका है पहुंचाई वने उनन में आगाही दिनी वने त हु अकेला नाहिन ही तंजीम उनन सा गड बीठल हुंदी जी अदीब दानश्वर उन्होंने शिरकत कई है। उन्होंने यो ही चवण है तो ये जो तंजीम छी है इनको जो मकसद है वो मकसद ही जो वाजे है तो सच से बदल हकीकी साफत के हकी वटाण है जमीर मौजूद सच्चाई है उनको इंसाफ लाए वेड़ कदड़ जो साफी हुजन उनमें कलम धनी भी आए जो भलाई जो कम कंदा माशरे तरफा जो दुकान बेपुज मूँ उन्होंने जो आवाज बनजन है गजल कुम यानी दह जे नुकता इनमें जे दह नुकन से जो छल तंजीम है उन तंजीम में हर मूँ जो इनमें वर्क दिखो वो है उनमें सिविल सोसाइटी जो वर्क है साफी जो किरदार है वकील जो किरदार है जैसे करे ही मजलूम मानों जो आवाज बनी है इंसान में मुकम्मल जो वाहिर करो चीलो पैदा थे। बशीर अपडेट देने लाए वड़ी मेहरबानी अवाजी नासरीन सच अमन इंसाफ वसीले सजी सिंध में समाजी तब्दीली लाए सहाफ